हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी सितारका में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। आज की जो रेसिपी है आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, और आप इस रेसिपी से जब चाउमीन बनाएंगे तो बाहर का चाउमीन खाना छोड़ देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डाल देंगे नमक। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए हम इसमें नूडल्स डालेंगे। मैं यहाँ पे ली हूँ 250 ग्राम नूडल्स। आप किसी भी ब्रांड का नूडल्स यूज कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा हिला देंगे। इसे 5 मिनट्स के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम सॉस बना लेते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सबको अच्छे से मिला लेंगे। चाउमीन में गरम मसाला डाल के देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अभी हम कटिंग कर लेते हैं। एक प्याज लिया है, इसे इस तरह स्लाइस काट लेंगे। मैं यहाँ पे एक गाजर का आधा यूज कर रही हूँ। जब भी आप चाइनीज रेसिपी बनाएं, पहले से ही सारी तैयारी करके रखें। पहले से सारी तैयारी करके रखेंगे तो रेसिपी बहुत जल्दी बन जाता है। गाजर को हम लंबा लंबा काट लेंगे। शिमला मिर्च को भी लंबा लंबा काट लेंगे। आप जितना क्वांटिटी में चाउमीन बना रहे हैं उसी अनुसार सब्जी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। पत्ता गोभी को भी ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे। स्प्रिंग अनियन को भी काट लेते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 5 मिनट हो चुका है, अभी नूडल्स को चेक कर लेते हैं। हमारा नूडल्स बॉयल हो चुका है, अभी हम इसे छान लेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और आप बेल आइकन को क्लिक करना तो भूल जाते हैं। मेरे नए नए रेसिपी देखने के लिए प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक करें। इसे एक प्लेट में डाल देंगे। नूडल्स ना चिपके इसीलिए इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल। अच्छे से मिला लेंगे। इसे ऐसे फैला देंगे। यहां पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। मैं यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज नहीं की हूँ। इसे नॉनस्टिक बनाने के लिए ऐसे गोल गोल घुमा के तेल को सारे तरफ फैला लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च को ऐसे बीच में काट के ली हूँ। आप चाहे तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। प्याज को डाल देंगे। सबको थोड़ा सा भून लेंगे। अभी शिमला मिर्च और गाजर को डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। अभी पत्ता गोभी को डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, इसका क्रंच रहना चाहिए। हमने जो सॉस रेडी करके रखा था उसको डाल देंगे। मसाला को डाल देंगे।
सबको अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ पे और एक टीस्पून चिली सॉस डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अभी नूडल्स को डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अभी डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रहे हमने नूडल्स को बॉईल करते टाइम भी नमक डाले थे। क्रस्ट क्या हुआ काली मिर्च डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। लास्ट में डाल देंगे कटा हुआ स्प्रिंग अनियन, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेडी हो गया हमारा स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन। जिनको एग चाउमीन पसंद है हम उनके लिए एग चाउमीन बना लेते हैं। एग चाउमीन बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग ली हूँ। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सबको अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ पे एक एग का यूज की हूँ। आप जितना क्वांटिटी में चाउमीन बना रहे हैं उसी अनुसार ले सकते हैं। एक पैन में लेंगे एक टी स्पून ऑयल, इसे फैला लेंगे। फेटा हुआ एग को डाल देंगे। इसका भुर्जी बना लेते हैं। चाउमीन में डालने के लिए हमारा एग भुर्जी बिल्कुल रेडी है। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले एक प्लेट में वेज चाउमीन को सर्व कर लेते हैं। इसे स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर लेंगे। अभी एग चाउमीन को सर्व कर लेते हैं। चाउमीन को डाल देंगे। हमने जो एग का भुर्जी बनाया था उसे चाउमीन के ऊपर डाल देंगे। ये बन गया हमारा एग चाउमीन। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चाउमीन के ऊपर चीज को ग्रेट करके सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। बनकर तैयार है हमारा तीन तरह की चाउमीन, स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन, एग चाउमीन और चीज चाउमीन। आप भी इसी तरीके से बना के खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। कैसा लगा हमारा चाउमीन रेसिपी कमेंट में आप जरूर बताइए। फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।